मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल शालिनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और सुबह हो गई है और आज से जो है हिंदू पर्व शुरू हो रहा है। तो आज जो है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो अब मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी पूजा, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैं मंदिर में आ गई हूँ और अब मैं पूजा करूँगी। तो देख सकते हैं कि ये दुर्गा जी की फ़ोटो है, वैष्णो माता की। और दुर्गा जी की ही पूजा का विशेष आज दिन है, तो मैं उनकी पूजा करूँगी। मैंने उनको यहाँ भी लगाया हुआ है, मैंने दिखाया था कल के ब्लॉग में। और ये भी देख सकते हैं आप, और ये जो है भगवान जी का। तो बर्तन मेरा साफ़ है, अब मैं जो है जल लेकर आऊँगी, तो उसके बाद अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो चलते हैं गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं लूँगी जल। तो आप देख सकते हैं मैंने जल ले लिया है, अब चलते हैं पूजा करने। तो गाइज मैं जल लेके आ गई हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने श्री दुर्गा चालीसा निकाल लिया है और अब मैं पढ़ूँगी इसको। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दिया जला लिया है और सब कर दिया है मैंने। अब मैं दुर्गा जी को टीका लगा देती हूँ, मैं जो है चालीसा पढ़ूँगी। नमो नमो दुर्गे सुकन्या। गाइज अम्मा भी नहा के आ गई हैं और अब हम लोग पूजा करेंगे। तो मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ लिया है और अब मैं आरती करूँगी अम्मा के साथ। तो आइए दिखाते हैं आप सबको भी। तो गाइज हमारी और अम्मा की पूजा हो गई है और अब मैं बाहर चल के तुलसी जी को जल अर्पण करूँगी, तो उसके बाद आपसे बात करती हूँ। गाइज जब मैं चल रही हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं पूजा करने के बाद रोज हर कमरे में भी आरती करती हूँ। भगवान के साथ साथ है ये मेरे दादा दादी जी हैं, इनकी भी मैं पूजा करती हूँ क्योंकि इन लोग की डेथ हो चुकी है। तो गाइज फाइनली मेरी पूजा हो गई और अब मैं चलूँगी किचन में और देखती हूँ कि सब लोग क्या खाएंगे। तो अब मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं और मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं कमरे में आई तो देखिए छिपकली हम लोग को बहुत परेशान करती है, कमरे से निकलती ही नहीं है, एकदम परेशान कर देती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो गाइज हम लोग का नाश्ता हो गया है और अब अम्मा आप लोग को बताएंगी कि अम्मा नवरात्रि की पूजा अपने टाइम में कैसे करती थी। तो अम्मा हम चौकिया जाते रहने हैं, रोज का रोज जाते थे। हाँ, अब पैदल पैदल जाते, पैदल सोचिए कि 7-8 किलोमीटर की दूरी अम्मा पैदल तय करती थी, इतनी भक्ति थी इनको माँ दुर्गा से। और मैहर देवी हम जाते थे रोज रोज मोटरसाइकिल से, कभी है पैदल, नहीं अब नहीं है सब के अब जाएं। अब इनके पैर में दिक्कत है तो अब नहीं जा पाती हैं, घर में करते हैं, घर में पूजा कर लेती हैं। तो अम्मा अपने टाइम में ऐसे करती थी पूजा, बड़ा हमको आश्चर्य हो रहा था कि 8 किलोमीटर की दूरी अम्मा कैसे तय करती थी। और चौकिया जाते थे घी लेके और पूड़ी बना के, हलवा बना के, सब माता जी को चढ़ाती थी, भोग लगाती थी अम्मा अपने हाथ से बना करके। चाना भेंके ले जाते थे, फूल ले जाते थे, वहाँ लड़कन के नाम से होम भी कराते थे हम अपने दोनों बेटों के नाम से। अम्मा जो है वहाँ पे होम भी करवाती थी। तो काफी अच्छा लगा हमको अम्मा का सुन करके कि अम्मा अपने टाइम में इतना कर लेती थी। लेकिन अब जो है अब नहीं चलता है, अब क्या करें, लेकिन घर में पूजा जरूर करते हैं रोज। बस यही है माँ जो है माँ चौकिया जी का हम लोग काफी फेमस मंदिर है हमारे यहाँ का। तो अम्मा उनकी पूजा करती थी तो जो मांगे वो मिल गया हमको, देवी हमको दे दी। दो बेटा मेरे पास हैं। माँ जो है माँ चौकिया जी का हम लोग काफ़ी फेमस मंदिर है हमारे यहाँ का। तो अम्मा उनकी पूजा करती थी तो जो मांगे वो मिल गया हमको, देवी हमको दे दी। दो बेटा मेरे पास हैं।
का सबकर शादी ब्याह सब कर चुके हैं, तीन बेटी हैं तो बेटा है, लेकिन सबका शादी तो जब मेरा सारा काम हो गया है और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अब मुझे सोना है, तो अब मैं चलूँगी सोने और ब्लॉग का भी एंड मैं यही करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाय बाय।